हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। इस वीडियो को मैं शुरू करूं इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि भैया मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट हूं नहीं, ना ही कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हूं, लेकिन जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो काफ़ी टाइम से चल रहा है और जो माइंडसेट होता है लोगों का, पॉलिटिशियंस का, तो मैं माइंडसेट को अच्छे से देखता हूं, टटोलता हूं, ऑब्जर्व करता हूं और उसी आधार पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। ये पुतिन वर्सेस पुलआउट, यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति और अमेरिका में जो ब्लंडर कर बैठे हैं बाइडेन साहब। वैसे बाइडेन साहब का मैंने यहां जिक्र किया है तो बाइडेन साहब अभी कुछ महीने पहले तक तालिबान अफगानिस्तान जो चल रहा था वहां पर युद्ध द्वंद चल रहा था और सडनली वहां से बाइडेन के लड़ाके अमेरिका के वॉरियर सोल्जर्स सडनली अपने हथियार छोड़कर धूम दबा के भाग गए थे। हमने देखा था कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज के पीछे तक लटक गए थे, कई लोग तो हवाई जहाज से नीचे गिर गए थे। बाद में हमने देखा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन साहब, जिनके लिए हमारे इंडिया के लिबरल्स बड़ा जबरदस्त कैंपेन कर रहे थे, स्वरा भास्कर वगैरह, तो एक जो लॉबी है ना इंडियंस की, अब चूंकि इनकी बात चली तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब जब ये पर्टिकुलर लॉबी जिस किसी इंसान के सपोर्ट में खड़ी होती है, मैं अच्छे से समझ जाता हूं, भगवान ने इतनी बुद्धि तो दी है कि सही गलत को समझ सकूं, तो जहां जहां ये लॉबी जैसे स्वरा भास्कर या राणा अय्यूब या बरखा दत्त या लिब्रांडू गैंग खड़ी होती, मैं अच्छे से समझ जाता हूं भैया जहां ये खड़े हैं ना वो इंसान बेड़ा गर्क करके मानेगा। और अब बाइडेन देख लीजिए, पहले अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, वहां पूरी तरह से तालिबान आ चुका है और बाद में बाइडेन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि तालिबान इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगा। वो तालिबान जो सिर्फ 80,000 के आसपास कुछ लड़ाके थे और अफगानिस्तान की आर्मी जो 3,00,000 के ऊपर थी, कैसे वो आर्मी सरेंडर कर गया। ही नहीं, आर्मी के साथ साथ वहां के जो प्रेसिडेंट थे गनी साहब, वो भी वहां से भाग गए थे। अभी अगर हम यूक्रेन या उक्रेन के पर्सपेक्टिव में देखें तो वहां के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जेलेंस्की या जेलेंस्की, क्या नाम है उनका, व्लादिमीर पुतिन का नाम तो मुझे याद है, व्लादिमीर जेलेंस्की जो एक्टर थे, कॉमेडियन थे, वो काफी इमोशनल स्पीच दे रहे थे। मैंने वो वीडियो देखा जहां वो कह रहे कि हम गद्दार नहीं है, हम भागेंगे नहीं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो यहां उक्रेन और अफगानिस्तान में एक डिफरेंस है कि वहां अफगानिस्तान की जो लीडरशिप थी और जो आर्मी थी वो एक तरह से सरेंडर करने के मूड में थी, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं था। वहीं हम उक्रेन को या यूक्रेन कहें तो यहां पर उनके प्रेसिडेंट से लेकर सोल्जर तक आखिरी दम तक लड़ने के मूड में है। अब ये जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई से किसी का भला होता नहीं है, जो लीडरशिप होती है, जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं अपने एसी वाले कमरे में आराम से वाइन की चुस्कियां लेते हुए, टीवी पर देखते हुए, वो लड़ने नहीं जाते हैं। लड़ने जाता है एक सोल्जर, एक जवान, जिसका लेना देना ही नहीं है किसी और मुल्क के सोल्जर से, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आए तो बेचारा जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता है। तो युद्ध की विभीषिका से किसी का फायदा नहीं होता है, लेकिन यहां युद्ध एक बिजनेस बन चुका है। और वो अमेरिका जो आज रशिया के ऊपर बड़े बड़े प्रतिबंध लगा रहा है कि रशिया उक्रेन के अंदर घुस कैसे गया, ये तो इन्वेजन है, ये है, वो है, जबकि अगर आप इतिहास को उठा करके देखेंगे तो दूसरे मुल्कों में सबसे ज्यादा घुसपैठ जो किसने की है वो अमेरिका ने की है, चाहे इन्वेडिंग के नाम पर कहिए, चाहे बॉम्बिंग के नाम पर कहिए। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि जापान ने पहले पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, पर उसके बाद से अगर आप देखें तो अमेरिका सबसे ज्यादा दूसरे मुल्कों के मैटर में नाक घुसेड़ता है, चाहे ईरान, इराक, सीरिया, हर जगह वो अपनी नाक घुसेड़ता है और मुल्कों को बर्बाद करके छोड़ देता है। अब इसे विडंबना कहिए या कुछ और कहिए कि वो अमेरिका जो दूसरे देशों में घुसता है, वहां की सरकारों को, वहां के नागरिकों को परेशान करता है, सब कुछ बर्बाद करके पुल आउट यानी बाहर आ जाता है, वो अमेरिका यहां रशिया को बोला कि भैया तुमने इन्वेड कैसे किया, पुतिन तुम अंदर पुट इन कैसे हो गए। तो यहां पुट इन वर्सेस पुल आउट का अगर आप एक सिनेरियो देखें तो पुतिन तो भी अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। अब इसको हक हो सकता है कि लोग गलत बोले, लेकिन पुतिन एक पजेसिव लवर की तरह बिहेव कर रहा है, वो लवर जो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली जाए, और उक्रेन जो है वो एक गर्लफ्रेंड है। और ये जो नेटो नेशन, जो कि कहने को तो नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसे नल्ले टट्टू एक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन्हें ज्यादा बोला जाए, नल्ले एक्टर्स टट्टू ऑर्गेनाइजेशन तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि इन लोगों ने उक्रेन को आगे खड़ा कर दिया है, खुद पीछे हट गए। उक्रेन ने उस निब्बी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव किया है जो नेटो, मतलब नल्ले जो टट्टू ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बॉयफ्रेंड्स की बातों में आकर वो कहीं ना कहीं एक जाल में फंस चुका है। अब क्या कि बाहर से ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, या जो नेटो के जो 30+ नेशन से, वो सिर्फ बाहर से प्रे कर रहे हैं कि हमारी प्रेयर्स आपके साथ है, हम प्रतिबंध लगा देंगे रशिया के ऊपर, हम उसे बैन कर देंगे, वीजा नहीं देंगे वहां के लोगों को, उससे क्या होगा। अब कहने को अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन बड़े बड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं रशिया के ऊपर, क्या रशिया ने नहीं सोचा होगा कि उसके ऊपर ये फाइनेंशियल स्ट्राइक हो जाएगी। भाई रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बात से कि आप उसके ऊपर कोई बैन लगाओ या ना लगाओ, वैसे भी बैन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये फाइनेंशियली आइसोलेट करना या फिर बैन कर देना या
अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा देना, ये तो हमारे देश के ऊपर भी लगाए थे, जापान ने लगाए थे, अमेरिका ने लगाए थे, जब हमने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी हमारे ऊपर बड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। कहां गए वो प्रतिबंध? ये सारे प्रतिबंध से कुछ नहीं होता, ये चूचू का मुरब्बा होता है, कुछ साल के बाद अच्छे से पक जाता है, फिर खाने में ज्यादा मजा आता है। और वो अमेरिका जिसने हमारे ऊपर बैन लगाए थे, वही अमेरिका आज कहीं ना कहीं इंडिया के मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो कोई भी देश जो है वो ज्यादा दिन तक ये बैन करना और इस तरह की फाइनेंशियल स्ट्राइक वगैरह ज्यादा दिन तक ये चलने वाली टेक्निक नहीं होती। और इन सारे हथकंडों को, इन सारी बातों को पुतिन से बेहतर कौन समझ सकता है? रशिया अपने आप में एक महाशक्ति है, उसे किसी की परवाह वैसे भी नहीं है। अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर कनाडा जैसे देश ही नहीं बल्कि यूक्रेन ने भी हमारे ऊपर जब प्रतिबंध लगे थे तो अमेरिका को सपोर्ट किया था। आज आप विधि का विधान देखिए या कर्मा देखिए, वही यूक्रेन और वहां के जो राजदूत है वो कह रहे हैं कि भैया मोदी जी आप पुतिन से बात कर लो क्योंकि पुतिन आपकी सुनते हैं। मतलब पहले तो इन लोगों ने हमारे अगेंस्ट वोट दिया और अब आज ये हमसे ही मदद की उम्मीद कर रहे हैं। भाई खैर, हमारे पीएम का दिल भी बहुत बड़ा, तो उन्होंने बात की जरूर पुतिन से, लेकिन पुतिन कब कहां किसकी सुनता है भाई? पुतिन के ऊपर तो आई थिंक वो चाइना टाउन पिक्चर का डायलॉग है ना, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। तो पुतिन किसी की नहीं सुनेगा भाई, वो तो पेल देगा, बिकॉज उसका नाम पुट इन है, पुल आउट नहीं। पुल आउट करना तो बाइडेन साहब का काम है ना। तो वो बाइडेन साहब जो वहां अफगानिस्तान में पूरे जो सिचुएशन चल रही थी उसको ठीक से असेस नहीं कर पाए, उन्हें पता नहीं कैसी एडवाइस दी गई, बाद में वो बोले कि हमने एंटीसिपेट नहीं किया था कि अफगानिस्तान इतनी जल्दी सरेंडर कर देगा। और अब वही बाइडेन साहब का एक और ब्लंडर, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि भैया आप लोगों ने कहीं पुतिन को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया, तो भाई बाइडेन साहब के पास कोई जवाब नहीं था। आप खुद सुन लीजिए रिएक्शन, आप देख लीजिए उनकी रिएक्शन। तो आपने अच्छे से देख लिया अमेरिका के नेशनल पप्पू के एक्सप्रेशन, उसे खुद को समझ में नहीं आता कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। मतलब बाइडेन को वहां पर प्रेसिडेंट बनाकर बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया गया है। एंड जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि हमारे इंडियन लिबरल्स जहां खड़े हो जाते हैं, जिस चीज को वो लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, वो एक्चुअली में एकदम फटीचर, एकदम थर्ड क्लास चीज निकलती है। और बाइडेन के रूप में ये चीज फिर से आपके सामने साबित हो चुकी कि कितना बड़ा वाला ब्लंडर किया है हमारे इंडियन लिबरल्स और अमेरिका की जनता ने एक कार्टून को प्रेसिडेंट बनाकर, जिसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है। और ऐसे बेवकूफ इंसान की बातों में अगर यूक्रेन ने अपने ही पैर पर एक बहुत बड़ी वाली कुल्हाड़ी मार ली है। इन तमाम बातों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि भैया इस बाइडेन से तो अच्छा मैं था, एटलीस्ट दुनिया में शांति तो बना करके रखी हुई थी, बाइडेन ने तो आते से ही पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि यूक्रेन ने अपने नेटो नेशंस की बातों में आकर अपने ही पैर पर बड़ी वाली कुल्हाड़ी मार ली है और अमेरिका ने फिर साबित कर दिया कि वो तो मजे लेता है, लोगों को लड़ाता है, फिर दूर बैठ के तमाशा देखता है। पहले तो काफी चने के झाड़ पर चढ़ा था कि नहीं भैया तुम हमारे पड़ोस में आ जाओ या तुम हमारे अलायंस में आ जाओ, नेटो नेशन में जुड़ जाओ, फिर हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, फिर हम रशिया को घेर लेंगे। लो भाई आ गए यूक्रेन वाले इनकी बातों में, अब आ गए बातों में तो फिर भुगत भी लो भैया, रशिया तो पेल के चला जाएगा आपको। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के ऊपर। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।